हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आपके रिश्ते में इमीडिएटली क्या हो सकता है, आपके लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो सबके लिए रीडिंग ओपन है, और सारी रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। 303 में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, अदरवाइज 333 में आपको करंट फीलिंग्स के साथ एंजल गाइडेंस मिलेंगे। अदर्स डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप पर पिंग करें, आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल्स। तो चलिए रीडिंग को मैं करती हूँ स्टार्ट, और देखती हूँ आपके लव लाइफ में इमीडिएटली क्या होने वाला है। प्लीज एंसर गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में इमीडिएटली क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में इमीडिएटली क्या होने वाला है, प्लीज एंसर गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में इमीडिएटली क्या होने वाला है, इमीडिएटली क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या होने वाला है इमीडिएटली, प्लीज एंगल गाइड करें। इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, जिस रिश्ते के बारे में सोच के मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर क्या है, इमीडिएटली क्या हो सकता है उस रिश्ते में, प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएट फ्यूचर क्या है, सन, देखिए पहला ही कार्ड सन निकल कर आए हैं, तो आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आएगा। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा था वो ऑब्स्टिकल्स हटेगा। आपके पर्सन अगर आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे तो यहाँ पर एक्शन होंगे, और आपके पर्सन स्पाई कर रहे हैं आपको, वो आपके ऊपर ही नज़र बना के रखे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कौन सी ड्रेस पहन रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, किस किस के साथ बाहर जा रहे हो, किस किस के साथ बातचीत कर रहे हो ऑनलाइन पे, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे वो आपको स्पाई करते हैं, या फिर अगर आपके कॉमन फ्रेंड है आप दोनों के बीच, तो वहाँ से वो आपके बारे में जानते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन आपके बारे में जानते हैं, स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं। 99 की एनर्जी है। इमीडिएटली आप दोनों के बीच जो भी कर्मा साइकिल चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, वो कार्मिक साइकिल एंड हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन लेंगे, और जो भी वेटिंग सिचुएशन था, लॉन्ग डिस्टेंस था, वो वेटिंग सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं आपके पर्सन। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो छुपाते हैं, इमोशन भर भर के हैं उनके दिल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग पर्सन है, और वो कभी दिखाते नहीं हैं। लेकिन यस, आप भी उनका उस फुलफिलमेंट हो, जब आप उनके लाइफ में रहते हो, जब आप उनके लाइफ में आते हो, तब उनको लगता है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी चल रहा होगा, लेकिन आपके रहते हुए वो प्रॉब्लम उनको बहुत इफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन है, आपके पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, ठीक है, कॉल मैसेज आ सकता है इमीडिएटली। आपके पर्सन पैशनेट है, और जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहाँ से बाहर आने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और आपको वो क्लैरिटी दे सकते हैं कुछ सिचुएशन में। अगर बातचीत होता है तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, और क्या हो सकता है आपके रिश्ते में इमीडिएटली, वो हम देखेंगे दूसरे डेक से। प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएटली मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, इमीडिएटली मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएटली क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, इमीडिएट फ्यूचर क्या है,
मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में इमीडिएटली क्या होने वाला है, प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएटली क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, जिस रिश्ते के बारे में सोच के मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, वहाँ पर इमीडिएटली क्या होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। अवेयरनेस, आपके पर्सन को पता चलेगा इस रिश्ते के बारे में कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, आपके साथ उनका फ्यूचर है या नहीं, आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है या नहीं, तो कुछ चीज़ों का उनको नॉलेज मिलेगा, अवेयरनेस होगा, ठीक है। और वो खुद की इनर वॉइस को सुनेंगे, इनर गाइडेंस को सुनेंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलने वाले है आपके बारे में, रिश्तों के बारे में, और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपके पर्सन की, ठीक है। ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और क्या होने वाला है, प्लीज से गाइड करें। और क्या होने वाला है इस रिश्ते में इमीडिएटली, और क्या होने वाला है इस रिश्ते में इमीडिएटली, और क्या होने वाला है। लेजीनेस, देखिए नाइन ऑफ कप्स यहाँ से आया है और यहाँ से भी आया है, तो दोनों डेक से नाइन ऑफ कप्स आया है। आपका कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होगा इमीडिएटली, जो भी इस रिश्ते को लेके आपको विशेस है, अगर आप बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बातचीत हो सकता है। अगर बातचीत हो रहा है लेकिन डेट में नहीं जा रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हो, या फिर क्वालिटी ऑफ टाइम आप लोग स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है बातचीत होने का, आपका विश फुलफिलमेंट होने का और टाइम स्पेंड करने का। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस था, वेटिंग सिचुएशन था, तो वहाँ से आपके पर्सन बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। यस, सक्सेस मिलेंगे आपको यहाँ पर इस रिश्ते में आगे जाके। फिलहाल हो सकता है कुछ टफ सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो। यस, जो भी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है वो टर्न लेगा, आपका जो किस्मत का पहिया है वो ज़रूर घूमेगा, ठीक है, और आपका लक फेवर करेगा आपके लिए, चेंज आएगा। देखिए इसके नीचे ही ट्रेस का कार्ड है, तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रेसफुल थे आप लोग, बहुत ज़्यादा परेशान थे सिचुएशन में, तो वहाँ पर चेंज आएगा, और वो जो चेंज आएगा वो आपका विश फुलफिलमेंट करेगा और आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। तो इमीडिएटली ये फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेजर अरकाना से और क्या होने वाला है आपके इस रिश्ते में इमीडिएटली। ओके, प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएटली क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, इमीडिएटली क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएटली क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, जिसके बारे में सोच के मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ, उन पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का क्या इम्प्रूवमेंट आएगा इस रिश्ते में, क्या कमिटमेंट मिलेंगे, क्या वो वापस आएंगे, प्लीज एंजल गाइड करें। मेजर अरकाना से मेजर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्ड्स जो है रिपीट हो रहा है अलग अलग डेक से, ठीक है। और मैं जो है बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, दो चार पांच कार्ड ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कार्ड जो है रिपीट्स हो रहा है, मतलब जो एनर्जी है, जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड फिर से आ गया है, तो आपका जो किस्मत का पहिया है वो ज़रूर घूमेगा, कर्मा टर्निंग पॉइंट्स लेगा, यहाँ पर डेस्टिनी जो है आपके लिए काम करेगा, जो भी आपके लिए डिस्टाइंड है, जो भी आपके फॉर्चून में लिखा हुआ है वो होगा ही होगा, ठीक है, और वो पॉजिटिव होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑलरेडी आए हुए हैं। यस, फुल की एनर्जी आया है, तो न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा आपके रिश्ते में। दी मून, ओके, तो कुछ दिन हुआ है कि फुल मून बीता है, तो जो भी आप लोगों के अंदर फेयर था, एनजाइटी था, कंफ्यूजन था, जो भी इल्यूजन था, उन सारी चीज़ों से आप लोग बाहर आओगे, ठीक है, और न्यू बिगनिंग करोगे आपके लाइफ में, केयर फ्री हो जाओगे, और केयर फ्री होके कुछ एडवेंचर करोगे, कुछ रिस्क लोगे, और कुछ न्यू चीज़ जो है आप लोग सीखोगे अपने लाइफ में, और साथ ही साथ आपके जो रिलेशनशिप है वहाँ पर आपका न्यू बिगनिंग दिखेगा, कि न्यू तरीके से आपका जो रिश्ता है वो स्टार्ट हो रहा है न्यू तरीके से। अगर आप दोनों के बीच कोई टाउन मोमेंट आया था, कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा था, कोई सेपरेशन चल रहा था आप दोनों के बीच, तो वहाँ पर फिर से टर्निंग पॉइंट्स लेगा आपका रिलेशनशिप, फिर से जो है यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर है। और कुछ हम देखेंगे अदर डेक से, और क्या होने वाला है, प्लीज एंजल गाइड करें इस रिश्ते में इमीडिएटली, और क्या होने वाला है।
प्लीज इनसे गाइड करें इमीडिएटली इस रिश्ते में क्या होने वाला है, जिस रिश्ते के बारे में सोच के मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उस रिश्ते में इमीडिएटली क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में इमीडिएटली क्या होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, प्लीज इनसे गाइड करें इमीडिएटली क्या होने वाला है, इमीडिएटली क्या होने वाला है, प्लीज इनसे गाइड करें इमीडिएटली क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, जो भी आपका बुरा वक्त चल रहा था वो एंड होगा, काफी इनकी एनर्जी है, जो भी बुरे दौर से आप लोग गुजर रहे थे वो सिचुएशन यहाँ पर एंड होगा और यहाँ से ऑलरेडी न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है। ठीक है, मतलब जो भी आपका बुरे दौर से आप गुजर रहे थे, टाउन मोमेंट से गुजर रहे थे, वो सारे बुरे चीज़ों का यहाँ पर खत्मा होगा और यहाँ पर आप लोगों का जो है रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगा। ठीक है, अगर ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा था, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस था, तो यहाँ पर सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो टर्निंग पॉइंट्स लेगा, वो यहाँ पर एंड होगा और आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग आएगा। देखिए, मैरिज की एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लोग सिंगल हो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो आपके पर्सन की तरफ से, यहाँ पर आपको मैरिज के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसा क्लैरिटी आपको देंगे शादी के बारे में, मैरिज के बारे में, कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है। ठीक है, तो इस तरीके का एनर्जी है। और जो लोग मतलब आपके पर्सन के साथ ही शादी करना चाहते हैं, जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनके शादी आगे आने वाले टाइम में शादी होगा, कमिटमेंट आपको मिलेगा, जो भी बुरे दौर चल रहा था वो एंड होगा, यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगा और यहाँ पर वो जो रिश्ता है स्टेबल करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और उनके साथ ही आपका फ्यूचर है। वेल्दी मैन, तो आपके लाइफ में कोई वेल्दी मैन आ सकता है या फिर आपके करियर में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था तो यहाँ पर आपको आपके करियर में कोई न्यू रास्ता दिखेंगे। ठीक है, और आपके पर्सन आपको 24/7 सोच रहे हैं, सोचेंगे इमीडिएटली, क्योंकि देखिए इस कार्ड में थॉट्स की एनर्जी है और ये जो पर्सन है किसी ओमेन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके जो फीमेल पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे, अगर आप फीमेल है तो मेल पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, तो लव लाइफ में और आपके करियर में कोई न्यू रास्ता, कोई न्यू पाथ वे आपको दिख सकता है और आने वाले टाइम में आप वेल्दी हो सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है इस रिश्ते में, इसके बाद हम लेंगे गाइडेंस। ओके, प्लीज एंसर गाइड करें और क्या होने वाला है इस रिश्ते में इमीडिएटली, और क्या होने के चांसेस है, प्लीज एंसर गाइड करें और क्या होने के चांसेस है इस रिश्ते में इमीडिएटली, और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है, प्लीज एंसर गाइड करें इस रिश्ते में और क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, मेरे व्यूअर्स को क्या कोई मैसेज रिसीव होगा। माउंटेन, तो बहुत ज़्यादा बुरे दौर से आप गुजर रहे हो या फिर आपके पर्सन गुजर रहे हैं, जो भी कठिनाई चल रहा था आपके रिश्तों में वो एंड हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफी नाए हुए हैं। और यस, आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, रीयूनियन होगा, लव लाइफ इम्प्रूव करेगा, आगे बढ़ेगा, जो भी आपका स्टेप है ठीक है वहाँ से लेवल अप होगा सिचुएशन। ओके, तो आप लोग का रीयूनियन हो सकता है, बातचीत हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट है तो रीयूनियन में आ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, यहाँ पर कोई चीज़ फिलहाल जो है आपसे छुपे हुए हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा है सिचुएशन में, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको क्लियर होगा, इसीलिए एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। लेंस की एनर्जी है, करीब से देखो, आपके आसपास देखो, जो जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसके साथ आप जा रहे हो, वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, या फिर अगर कोई काम में जा रहे हो, अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अगर कोई पुराना पर्सन आ रहा है जो कि आपके साथ बैड बिहेवियर किया था, लेकिन फिलहाल उनका जो बिहेवियर है अच्छा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पर्सन आपके लिए सही है या गलत है, तो वहाँ पर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से सर्च करने की ज़रूरत है। और क्या एनर्जी है, प्लीज एंजल गाइड करें। सॉरो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर आपके तरफ ही आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर रोजेस लेके बैठे हैं, तो आपके लव्ड वन आपके तरफ वापस आ रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आपके पर्सन आपको कुछ हाइड किया था, आपसे चीट किया था पास्ट में, लेकिन फिलहाल वो जो है आपके तरफ आना चाहते हैं, खुद की प्यार की रोजेस वो आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन वाली एनर्जी में थे, या फिर धोखा दिया था उन्होंने आपको, कुछ झूठ बोला था, कुछ चीट किया था, लेकिन वो फिलहाल आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर गाइडेंस आए हैं, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, पूरी तरीके से 100% उनको जो है बिलीव नहीं करना है। सोचो समझो, सबका सिचुएशन अलग होता है, तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है और परखना है, परखना जानना होगा आपको। तो जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन के हिसाब से डिवाइन ने आपको सिखा दिया है कि कैसे लोगों को परखना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो उनका टेस्ट लिया जाएगा आपको यहाँ पर, कि आप सही इंसान को पहचान पाते हो या नहीं, कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन गलत है, उनको आप समझ पाते हो या नहीं, उनका एक टेस्ट यहाँ पर है आपके लिए। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो भी दोराहे में आपके पर्सन थे, वहाँ से बाहर आके वो आपको कोई ना कोई जेस्चर करेंगे। तो चलिए कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए लेंस क्यों आया है प्लीज एंजल गाइड करें। हाँ, तो जो भी आपके लाइफ में बुरे दौर चल रहा था, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, फाइट हो रहा था किसी के साथ, तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। टू टू की एनर्जी क्यों आए हैं प्लीज एंजल गाइड करें। टू टू की एनर्जी क्यों आए हैं, न्यू बिगनिंग होगा आपके रिश्ते में। यहाँ पर देखिए फिर से न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और ये जो रिश्ता है आगे आने वाले टाइम में स्टेबल होगा, यही यहाँ पर जो है मैसेज निकल कर आ रहे हैं। तो आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने वाले हैं गाइस, और जो भी आपका लव लाइफ है वो इम्प्रूव होगा। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, कोई गैदरिंग में जा सकते हो, सेलिब्रेशन में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो, या फिर यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा गहरा होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। नंबर 28 क्यों आया है प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 28 क्यों आया है, क्या ये पर्सन सही है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ये लव्ड वन सही है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज एंजल गाइड करें। यस, ये लव्ड वन आपके लिए सही है, सन का कार्ड आया है, तो एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, आपका जो टाइम है चेंज होगा यहाँ पर और न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो कट ऑफ होंगे यहाँ पर। तो मैंने क्लियर कर लिया है आप लोगों का जो रीडिंग है, ताकि आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी ना रहे कि मैम ने ऐसा बोल दिया तो क्यों बोला, कोई तो रीज़न होगा। तो ये जो पर्सन है आपके लिए सेफ है, फिर भी सबके सिचुएशन अलग होते हैं, तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, जो है अच्छी तरीके से देख के उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है, उनके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, पॉजिटिव चेंजेस है, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है, और एक्शन होने वाला है। देखिए रीडिंग का स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पर सन कार्ड से, और रीडिंग का एंडिंग भी हो रहा है सन कार्ड से, ठीक है। मतलब कोई ना कोई पावरफुल एक्शन यहाँ पर होगा इमीडिएटली, और आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, और आपके लव लाइफ में ग्रोथ आएगा, ठीक है। और आपके पर्सन वापस आने वाले हैं, और इस रिश्ते में जो है हैप्पीनेस आने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कुछ गाइडेंस लेते हैं, प्लीज एंजल गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए प्लीज एंजल गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए प्लीज एंजल गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जिन भी चीज़ों के बारे में आप कुछ सोच के बैठे हो कि ये पर्सन तो ऐसा है, या फिर मैम ने ऐसा रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही है, लेकिन आपको और ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है, कि कुछ भी चीज़ों के ऊपर आप तो आँख बंद के तो बिलीव नहीं कर रहे हो कि कुछ चीज़ आप देख रहे हो मतलब ये सही है, क्योंकि सबके सिचुएशन अलग होते हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में कोई धारणा बना के रखे है कि ये चीज़ ऐसा ही है, तो आपको वैसा नहीं सोचना है। तो ये जो चीज़ है पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए, कि आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस नहीं आ सकता है, यहाँ पर ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर आपको एंजल बोल रहे गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए,
जो आपको पता है वो सही भी नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरे पर्सन तो आ जाएंगे, मेरे पर्सन जो मुझे लव करते हैं उनका ट्रू लव है, उनके साथ मेरा जो बॉन्ड है बहुत अच्छा बॉन्ड है, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका इल्यूजन हो, इसीलिए एंजल बोल रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जिनको आप बहुत अच्छा समझ रहे हो वो बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है जानना होगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपके रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा गाइस। अगर कोई मन मुटाव हुआ है, कोई फाइट वगैरह हुआ है, तो यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा आपके रिश्ते में। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है गाइस आपके लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है इमीडिएटली। हेल्पफुल पीपल, दूसरों का हेल्प करो और खुद की इंट्यूशन को फॉलो करो। अभी भी थोड़ा टाइम आपको वेट करना है और खुद की इनर वॉइस को, इंट्यूशन को सुनना है और जितना हो सके दूसरों का हेल्प करना है, जो भी मैं आपको हर रोज गाइडेंस देती हूँ। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। रीडिंग अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करें, जो लोग चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करें और इस चैनल का हिस्सा बने। और फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, जितना हो सके दूसरों का हेल्प किया करें। ओके, और कितना रेजोनेट हुआ जरूर कमेंट में आके बताना है आपको। और कॉल मैसेज आता है, रियूनियन होता है इमीडिएटली, ये सारे सिचुएशन आपसे मैच कर जाता है। आगे आने वाले टाइम में आपके साथ घटित होता है तो ज़रूर 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 से आके कमेंट सेक्शन में मुझे जो है इन्फॉर्म करना है। तो गाइस टाटा एंड टेक केयर योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।